राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल के इंदिरा भवन लिंक रोड नंबर 1 पर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बढ़ते महिला अत्याचार, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर महिला कांग्रेस ने शंखनाद किया है, जिसमें महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रभारी ओनिका मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई है। उन्होंने गैस सिलेंडर ठेले पर रखकर पैदल सीएम निवास का घेराव करने पहुंची, जिन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोका गया। वहीं कांग्रेस की प्रतिभा रघुवंशी ने बताया है कि अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रस्त महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं। आप बहनों को प्रलोभन देने की बात करते हैं और किस 1,000 रुपए की बात करते हैं। तमाम जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है, 1,500 रुपए देने का काम कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में करेगी। देखिए, महिला कांग्रेस डेली रूटीन में काम कर रही थी, चाहे हाथ से हाथ जोड़ अभियान हो, कोई भी इस तरह की छुट्टियां समाज में चल रही है, महिला उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी, सभी पे उन्होंने काम किया। लेकिन जब अति हो जाती है, जब आप देखते हैं कि झूठ पे झूठ बोला जाता है, तो एक पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना कि आपका झूठ जितना भी डुकडुकी बजा के आप बजा लें, अब जनता आपके साथ नहीं आने वाली। तो ये एक तरह से बिगुल है, चुनाव नजदीक है, हमें वो दिन भी याद है जब हम जीत के आए थे और किस बेरहमी से ऑपरेशन लोटस के तहत उन्होंने कांग्रेस सरकार तोड़ी थी। तो ये महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो प्रतीक हैं कि उनको ये याद दिलवाने के लिए कि अब धोखाबाजी हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करने देंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है। सिलेंडर का रेट देख लीजिए, दूध का देख लीजिए, तमाम वो जरूरी चीजें, वो हालत देखिए कि जनता बेहाल है। कब तक आप दबाएंगे, कब तक डिक्टेटरशिप करेंगे, कब तक अपना लोगों का दोबारा बंद करेंगे और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसके जोर से कब तक लोगों का चुप कराएंगे। कि जनता है अभी जागरूक हो चुकी है, नहीं रुकने वाली, नहीं थमने वाली। लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चालू कर दी सरकार ने। जी जी जी, आप पत्रकार हैं, आपसे जागरूक कोई नहीं हो सकता, इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने सवाल उठाया। आपने देखा में कितनी त्रुटियां हैं, आपने क्या उसका स्कीम पढ़ी है, बताइए किस किस को फायदा होगा। तमाम वो क्वेश्चन मार्क्स हैं, तमाम वो फुल स्टॉप्स हैं, उसके आगे जो बहुत ही माइनर, हार्डली मुझे लगता है 1-2% महिलाओं को फायदा होगा। और ये करते कराते, फॉर्म भराते भरोते ये अक्टूबर हो जाएगा। तो ये वही झुंझुना है जो हमेशा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता सरकार देती आई है। तो इनका तो काम ही यही है गुमराह करना, लेकिन गुमराह की टैक्टिक्स, नैरेटिव आप नहीं चलने वाला, क्योंकि एग्जांपल सामने है। चुनाव हुआ आपके मेघालय, नागालैंड में, और तुरंत बाद गैस बढ़ गया, तो कब तक जनता चुप रहेगी। आप लाडली योजना के आड़ में आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते।